नामांकन 2 जून को होगा। महौर वैश्य सभा समिति का शपथ ग्रहण। बरेली रोहिली टोला स्थित प्राचीन महौर वैश्य धर्मशाला में महौर वैश्य सभा समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में नवोन्मेष अध्यक्ष जय नारायण गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और कोषाध्यक्ष विजेंद्र नाथ गुप्ता ने बताया कि महौर वैश्य सभा समिति की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसी कार्यक्रम को लेकर आगामी 2 जून रविवार को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जीआईसी सभागार निकट जिला पंचायत में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें कौशल विकास मंत्री कपिल अग्रवाल और कैंट विधायक संजीव गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। साथ ही अखिल भारतीय महौर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आ रहे हैं। इन सबकी गरिमामयी उपस्थिति में समिति के समस्त पदाधिकारी को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। कमेटी के आजीवन संरक्षक रामेंद्र प्रसाद गुप्ता और समिति के मीडिया प्रभारी प्रभात गुप्ता ने बताया, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिष्ठित लोगों को विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में के लोग पहुंचेंगे। इस दौरान प्रेस वार्ता समिति में हर्षित गुप्ता, डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, उमेश गुप्ता, पवन गुप्ता, निमेंद्र गुप्ता समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, संजीव अग्रवाल जी और हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके समस्त पदाधिकारी आ रहे हैं। ये हमारी रजिस्टर्ड सभा है और यही सभा हमारी ओरिजिनल और असली है। और कुछ लोग अगर हमसे रूठे हुए भी हैं, हमारे समाज के जो भी वर्ग के हैं, उन्हें हम मनाएंगे और अपने साथ लेकर के आएंगे। दो जून कितनी सभाएं हैं महौर वैश्य एक ही है हमारी। तो आप कह रहे हैं हमारी असली है, फिर नकली कौन सी है? नहीं, यदि कोई अपने आप को कहने लगता है स्वयं तो उसमें जब है ही नहीं तो आप क्यों मार रहे हो उसे? कुछ लोग रूठे हुए हैं आप जानते ही हैं, तो उन्हें सबको मना के साथ लाएंगे। आप बताइए ना, ये ऑडियो ट्रेनिंग सभागार है जिला पंचायत के बुलाइए। 2 जून 2024 दिन रविवार को हमारी, क्योंकि महावैश सभा समिति भी एक रजिस्टर्ड संस्था है और किसी भी रजिस्टर्ड संस्था का एक कार्यकाल होता है कि 2 साल या 3 साल के बाद उनका रिन्यूअल होता है संस्था का, उसी प्रक्रिया के तहत हमारी नई टीम का रिन्यूअल हुआ। नए अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष के साथ में पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उस कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण एवं सम्मान, कुछ हमारे जो समाज के विशिष्ट लोग हैं उनके सम्मान के हेतु एक कार्यक्रम का, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम GIC सभागार में किया गया है। उसमें हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय सभा, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, हमारे कैंट क्षेत्र के विधायक श्री संजीव अग्रवाल जी, हमारे माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, ये सभी लोग हमारे नए कार्यकारिणी के को आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। और हमारा पूरा समाज उत्साहित है, एक 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 अक्षय उत्साह मान अध्यक्ष हमको मिले हैं और बहुत ही उत्साह के साथ यह काम करने के लिए आगे आए हैं और पूरी टीम भी पूरी उत्साह के साथ लगी हुई है और आशा है कि अपने आगामी 3 साल के कार्यकाल में एक इस महावैश्य सभा समिति के लिए एक नया आयाम प्रदान करेंगे और इस महावैश्य धर्मशाला के उत्थान के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए नए से नए कार्य करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र, हमारे जो गरीब निर्धन छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए, जैसे उनकी पढ़ाई के लिए किसी को आवश्यकता होती है, उनके तहत उन्होंने सोचा है कि उनके लिए कोई कार्यक्रम किए जाएंगे, एक ऐसे काम किए जाएंगे कि उन बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न ना हो। जो हमारे क्षेत्र, हमारे समाज के निर्धन लोग हैं उनके रोजगार के लिए वो सोचा जाएगा कि इन्हें किस रोजगार से जोड़ा जाए,
ताकि ये लोग बेरोजगार ना रहें। इसी के तहत आप एक एक शपथ ग्रहण लेंगे कि हम समाज का उत्थान करें, समाज का उत्थान कर सकें, और यही हमारा आपका उद्देश्य है इस शपथ ग्रहण समारोह।